मैं पहले तो मैं सारी बुरी चीज़ें ही बता दूंगा, उसके बाद थोड़ा अच्छा अच्छा बोलता हूँ। गाड़ी के ब्रेक्स उतने अच्छे नहीं, तो इस इंजन के अंदर उतना पावर नहीं है कि आपको वापस पुल कर सके। समझ भी नहीं पाओगे कि आप कब 100 टच हो जाते हो गाड़ी पे। ऑलराइट, सो आज हम लोग जा रहे हैं तामिनी घाट। हमारे साथ है द स्पेशल KTM एडवेंचर 250। यार ये आई थी तो एक्चुअली जनवरी में, लेकिन टाइम नहीं मिला यार इस पर वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि इसका ओनर जो है वो अभी थोड़ा थाने साइड ज़्यादा रहता है। तो वो कल्याण आया था मंथली बेसिस पे, एक मंथ के लिए आया था पूरा। तो मैंने बोला चलो यार एक दो दिन का एक ट्रिप करते हैं इस पर और एक प्रॉपर एक वीडियो बनाते हैं कि गाड़ी कैसी है। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल पर तो प्लीज़ कर लो, क्योंकि मैं काफ़ी प्रैक्टिकल वीडियोज़ अभी बनाने का सोच रहा हूँ इस गाड़ी पे, इस पे और जिक्सर और F250, डोमिनार 250। हमारे पास 250s का काफ़ी अच्छा लाइनअप है। सो अगर आप सोच रहे हो इनमें से कोई गाड़ी लेने का तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो अब ज़रा बात करते हैं KTM के रिव्यू के बारे में। KTM 250 एडवेंचर ऑन रोड प्राइस 2.8 लाख 2.9 लाख के आसपास है करेंटली। फॉर द मनी 2.9 लाख। अगर आप सोच रहे हो कि मैं हाईवे पे टूरिंग करना चाहता हूँ और मुझे KTM ही चाहिए, KTM और तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। इसको आप ऑफकोर्स ले सकते हो, इसका सेटिंग पोजीशन वगैरह वगैरह बहुत अच्छा है, एकदम स्पॉट ऑन है। बट जब बात आती है प्रैक्टिकल चीज़ों की, जैसे ब्रेक्स, गाड़ी के ब्रेक्स उतने अच्छे नहीं हैं जितने आप डिज़ायर करोगे एक 250 सीसी बाइक से, क्योंकि आप 70-80 के स्पीड पे आप कांस्टेंट चला रहे हो गाड़ी, तो आप एक्सपेक्ट करोगे वहाँ पे कि गाड़ी अच्छी, मतलब ब्रेक ऑन द स्पॉट हो गाड़ी का। जैसे ये देखो अभी वैसी नहीं होती है यार, जैसा मैं चाहता हूँ वैसी नहीं कंट्रोल होती गाड़ी। मुझे इंजन ब्रेकिंग का भी यहाँ पे थोड़ा हेल्प लेना पड़ता है साथ में। तो मेरे ख्याल से अगर आप ये गाड़ी ले रहे हो और इसका फर्स्ट ब्रेक पैड जब भी आपका ख़त्म होता है, तो सबसे पहला अपग्रेड जो आपको गाड़ी के साथ करना है वो है इसके ब्रेक पैड्स। EBC या फिर सिरामिक ब्रेक पैड्स आप ट्राई कर सकते हो, और मेरे ख्याल से उससे ब्रेकिंग परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा। अनदर थिंग इज़ इसका जो लीवर है, इट हैज़ माइंड ऑफ इट्स ओन। तो कभी कभी आपको लगेगा कि हार्ड है, कभी कभी आपको लगेगा सॉफ्ट है, कभी कभी सॉफ्ट हो जाता है, काफ़ी मोशी हो जाता है। सो पता नहीं क्या है, मुझे फीडबैक और बाइट दोनों में मुझे कमी लगी इसके, जबकि बाइक ऐसा भी नहीं है कि बहुत ओल्ड है, 5000 किलोमीटर्स चली है मुश्किल से अभी, 5250। सो आई वॉज एक्सपेक्टिंग बेटर। ओ माई गॉड यार, तामिनी घाट एट इट्स बेस्ट। अच्छा गए सर सारे। अगला पॉइंट अब मैं बोलना चाहूँगा ब्रेक के अलावा। मैं पहले तो मैं सारी बुरी चीज़ें ही बता दूंगा, उसके बाद थोड़ा अच्छा अच्छा बोलता हूँ। तो नेक्स्ट बैड थिंग इज़ इसकी गियरिंग। जैसे अभी हम लोग घाट में चल रहे हैं ना, तो घाट में इनफैक्ट हाईवे पे भी अगर आप थोड़ा सा भी आप 70 के नीचे जाते हो, तो इस इंजन के अंदर उतना पावर नहीं है कि आपको वापस पुल कर सके बिकॉज ऑफ गियरिंग। तो आपको एक गियर डाउन करना है और जस्ट उसको ऐसे खींचना है, तो आपको पता चलेगा कि गाड़ी के अंदर कितना पावर है। सो गियरिंग इज़ वन ऑफ द थिंग। मुझे नहीं लगता ये इंडियन रोड्स के हिसाब से प्रॉपरली ट्यून्ड है गाड़ी, क्योंकि हमारे यहाँ पे आप कॉन्स्टेंटली एक स्पीड पे नहीं चला पाओगे ऐसे, घाट्स में तो बिल्कुल भी नहीं। सो सिक्स गियर्स होना अच्छी बात है ऑफकोर्स टूरिंग करते वक्त, बट उनका जो रेशियो कैलकुलेशन है, जो कि जैसा जिक्सर का है, जिक्सर का काफ़ी स्पॉट ऑन है, जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे इनफ ग्रंट है गाड़ी के अंदर कि फिफ्थ गियर पे भी पुल कर लेते हो। अभी मेरे को तो थर्ड पे आना पड़ता है भाई, यही जिक्सर फोर्थ पे आराम से कर लेती है। तो ये एक चीज़ हो गई। एक और नेगेटिव, वाइब्रेशन। ऑफकोर्स KTM है, वाइब्रेशन इज़ अ पार्ट ऑफ KTM फैमिली। सो डोंट एक्सपेक्ट इट टू बी एज स्मूथ एज बजाज डोमिनार और इवन सुजुकी जिक्सर। नो, इट्स नॉट दैट स्मूथ। ऑफकोर्स गाड़ी इतनी भी ख़राब नहीं है कि
आपके हाथ वगैरह एकदम सुन्न पड़ जाएंगे, बट यस इतनी भी स्मूथ नहीं है कि आपको कुछ भी ना फील हो. यू विल ऑफकोर्स फील कि आपके हाथ थोड़े से तो बज हो रहे हैं एट द एंड ऑफ द डे, बट देन इट्स ओके. वो इतना बड़ा कोई डिफरेंस नहीं है, मैं बोलूँगा कि 18-20 का फ़र्क है. अगर 20 अगर मैं जिक्सर को दूंगा तो मैं 18 इसको दे दूंगा, इतना भी ख़राब नहीं है. बट येस दैट इज़ समथिंग टू कंसिडर बिफोर बाइंग. सस्पेंशन, येस द सस्पेंशन इज़ नॉट गुड फॉर इंडियन रोड्स ऑफकोर्स. मुझे जो प्लस चाहिए सस्पेंशन ऑफ रोडिंग में स्पेशली, जो ख़राब रास्ते होते हैं, जैसे आज हम लोग 340-350 किलोमीटर्स कर रहे हैं और उसमें से सिर्फ 20 किलोमीटर का पार्ट है जो कि ख़राब रोड्स पे है. बट वो 20 किलोमीटर में भी यार परेशान हो जाओगे आप. मैं तो हो गया, मुझे दूसरों का नहीं पता उनकी बॉडी टाइप कैसी होती है, शायद उस पर डिफर करता हो. बट यस परेशान तो होना पड़ेगा. ओह यस हैंडलिंग, ब्यूटीफुल हैंडलिंग है गाड़ी की. थोड़ा यहाँ पे अलर्ट रह के चलाओ, डोमिनार हमारे पीछे पीछे. राइट, अभी हम लोग शायद थोड़ा सा घाट वापस चढ़ रहे हैं, मुझे गियर डाउन करना पड़ सकता है. यस खटखट खट होती है गाड़ी, फोर्थ पे आना पड़ा. प्यारी, अब थोड़ा एडवांटेज के बारे में भी बात कर लेते हैं. हाँ, और एक नेगेटिव, दिस इज़ वन ऑफ द वेरी अजीब नेगेटिव, वो है इसका स्पीडोमीटर कंसोल. ये हिलता रहता है ऐसे ऐसे, और आप फ़ोन वगैरह लगाओगे तो और उसका वेट बढ़ता है और हिलता है. ये भी एक चीज़ है जो आपको माइंड में रखना है भाई कि हो सकता है. देखो अभी 6th पे पुल नहीं करेगी, 5th पे पुल नहीं करेगी, 4th पे आना पड़ेगा. देखा, दो गियर डाउन. सो ये जो गियर रेशियोज जो रखे हैं ना कंपनी ने, ये थोड़े से. और अब गाड़ी के एडवांटेज के बारे में बात करते हैं, वो है सबसे पहला इसका पावर जो कि है हाईवे पे. आप समझ भी नहीं पाओगे कि आप कब 100 टच हो जाते हो गाड़ी पे. इसका जो वेट है 180 kgs, ऑफकोर्स जो ट्रैफिक में थोड़ा आपको कंबरसम लगेगा इसे हैंडल करना ट्रैफिक में, स्पेशली जब आप ऐसे 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 निकालते हो ना गाड़ी, वहाँ पे आपको बहुत फील होता है वो कि हाँ यार गाड़ी में वेट थोड़ा ज़्यादा है. बट एक बार आप जब हाईवे पे आते हो तो यही वेट जो स्टेबिलिटी दे रहा है गाड़ी को, बहुत प्यारी. अगेन नॉट एज स्टेबल एज द डोमिनार ऑफकोर्स, बिकॉज दैट्स 180 kg हो गई अभी तो उतनी स्टेबल नहीं है, बट इतनी है कि तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे. स्टेबिलिटी की बात हो गई, अब आते हैं इसके MID पे जो इसका स्पीडोमीटर है. स्पीडोमीटर गाड़ी का ऑफकोर्स KTM है, सुपर डिटेल्ड स्पीडोमीटर. जो आप चाहते हो, जो भी इंफॉर्मेशन, कुछ भी, सब कुछ है इसके अंदर. एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, एवरेज ट्रिप टाइम कितना है आपका, दो ट्रिप मीटर्स हैं, दोनों के अलग अलग फ्यूल कंजम्पशंस भी दिखाती है. सो फ्रॉम द स्पीडोमीटर पर्सपेक्टिव गाड़ी के अंदर कोई कमी नहीं है भाई, बहुत प्यारी गाड़ी है ये. और वो गई हमारी जिक्सर, द कॉर्नरिंग क्वीन. ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सेसरीज फीचर्स जो है गाड़ी के अंदर. 12 वोल्ट का सॉकेट है गाड़ी के अंदर, तो आप अगर टायर पंचर किट वगैरह यूज़ करना चाहते हो आपकी गाड़ी का, वो भी आप यूज़ कर सकते हो इस पर लगा के. एंड हम लोगों ने इस पर HJG की लाइट्स भी लगाई हैं, उसके लिए स्पेशली इसमें पावर का एक्सेसरी एक सॉकेट दिया हुआ है गाड़ी के अंदर पीछे की सीट पे. सो फ्रॉम द फीचर्स पर्सपेक्टिव यार देर इज़ नो कमी, बहुत प्यारी गाड़ी है. सिटिंग पोजिशन भी काफ़ी कम्फर्टेबल है, हैंडल्स एकदम अपराइट हैं अच्छे से. वन थिंग इज़ मुझे थोड़ा लेफ़्ट हैंड वाले जो शोल्डर होते हैं उसमें पेन हो रहा है, मे बी बिकॉज ये जो क्लच है इसका बहुत नीचे सेट है, उसकी वजह से कभी कभी दर्द होता है, तो वो एक इशू हो सकता है. बाकी तो मुझे और कहीं अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है. सीट भी मतलब स्टिफ है सीट, बट बहुत अच्छी सीट है. ज़ीरो पेन्स मैं सीधा बोल सकता हूँ, बिल्कुल नहीं दुखता मेरा, तो नहीं दुखता. कल मैंने 200 किलोमीटर हम लोगों ने कल चलाया था, 190 किलोमीटर्स के आसपास, 192,
नहीं भाई कुछ भी नहीं, सीट पे मेरे को बिल्कुल दर्द नहीं हुआ। नेक्स्ट इज़ इसका सर्विसिंग का बात कर लेते हैं, थोड़ा DIY सर्विसिंग अगर आप करते हो गाड़ी की खुद से, तो इसका जो एयरबॉक्स वगैरह है वो सीट के नीचे ही अवेलेबल है, उसकी वजह से आप इसका एयर फिल्टर हमेशा चेक कर सकते हो टाइम टू टाइम। बाकी सर्विस थोड़ा इसका महंगा है, ऑफ कोर्स बीइंग अ प्रीमियम कैटेगरी की गाड़ी तो सर्विस थोड़ा इसका महंगे साइड पे 2000 मेरे ख्याल से 1700 फर्स्ट सर्विस का था इसका, और सेकंड सर्विस का भी वही था 1800 के आसपास, 1800 टू 2000 रुपीज़। उसमें मतलब वो चेन लूप वगैरह भी सब ये होता है, काउंट होता है। ठीक है, सो यही था इस गाड़ी के बारे में। आप देख सकते हो कितना आराम से क्रूज़ करती है गाड़ी की। स्टेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। ऑफकोर्स टारमैक रोड्स हैं, काफ़ी अच्छे रोड्स हैं यहाँ के, सो कंक्रीट पे थोड़ा सा गाड़ी अप डाउन होती है ड्यू टू स्लाइटली स्टिफ सस्पेंशन, बट ठीक है। बाकी मतलब स्पॉट ऑन गाड़ी है। अगर आपको KTM ही चाहिए तो आप बिल्कुल ले सकते हो, बट अगर आप सोच रहे हो कि इस राइडिंग पोजीशन में कोई और गाड़ी और आपके पास बजट है तो मेरे ख्याल से GS 310 आप एक ट्राई कर सकते हो BMW की। उसका सस्पेंशन कोई अलग ही, मतलब अलग ही लेवल पे है, वो कारपेट क्वालिटी की गाड़ी है वो। और उसके अलावा अगर हम देखें, ऑफकोर्स रॉयल एनफील्ड हिमालयन एक ऑप्शन है, बट उसका अभी नया इंजन आने वाला है, सो देयर इज़ नो पॉइंट इन बाइंग अ ओल्ड इंजन। उसका वो क्लंकी गेयर बॉक्स और सब कुछ, मतलब आप कितना भी उसको रिफाइन कर लो है तो वो ओल्ड इंजन ही, सो इट विल बी नेवर एज गुड एज KTMs और जो नए मॉडर्न इंजन होते हैं वैसा। या दैट्स इट, मेरे ख्याल से यही था इस पूरे बाइक के बारे में आज एक शॉर्ट रिव्यू, शॉर्ट डिटेल जो आप समझो 5000 चल चुकी है, 5000 एक अच्छा खासा किलोमीटर्स है गाड़ी को जज करने के लिए। मैंने उसमें से आज समझ लो 300-400 चला लिया है। अरे निकल गया भाई, पीछे निकल गया स्पॉट। वीडियो अगर अच्छा लगा हो लाइक करो, शेयर करो। कोई अगर KTM आपका दोस्त लेना चाहता है तो उसको आप ये रिकमेंड कर सकते हो गाड़ी, ये वीडियो आप उसको दिखा सकते हो कि क्या है इनिशियल थॉट्स गाड़ी के बारे में। और अगर आपके पास इतना बजट नहीं है और आपको फिर भी टूरिंग करना है तो आई थिंक बजाज डोमिनार 250 इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर 2 lakh 2 lakh 10 होगी मेरे ख्याल से, भी 2 lakh 10,000 की गाड़ी है। उस पर आप सेंटर स्टैंड लगा लो टूरिंग करने के लिए, एकदम परफेक्ट गाड़ी है वो भी। चलो, बाय बाय।